दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाई हीरा बैंकेट हॉल फुली एयर कंडीशनर एट सैयद अली चबूतरा नियर शाहगौस होटल। वेलकम टू A18 तेलंगाना न्यूज। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी कॉल्स वसीम रिजवी फिरौन दज्जाल एंड अदर नेम्स एंड हिज ब्रदर पोस्टेड अ वीडियो सेइंग दैट हिज होल फैमिली हैज बायकॉटेड हिम। सम मेंस रिपोर्टेडली डिमोलिश्ड हिज फ्यूचर ग्रेवयार्ड आल्सो। वॉच द फुल रिपोर्ट A18 तेलंगाना न्यूज ब्यूरो। दोस्तों और बुजुर्गों, इन लोगों के बारे में क्या कह सकते हैं? नाम वसीम होगा, ये नाम वसीम नहीं बल्कि इसको तो लईम पुकारना चाहिए, इसको तो लईम पुकारना चाहिए। और ये लोग वो लोग हैं जो फिरका परस्ती को इजाफा करना चाहती है, ये वो लोग हैं जो हमारी सफों में इंतजार को बर्पा करना चाहती है, ये वो लोग हैं हमारे अख्तलाफात को और फरोग देना चाहते हैं। जो लोग कुरान के बारे में इस तरह की बात कर रहे हैं, मैं तुमको लईम कहता हूँ, मैं तुमको अबू जहल का जानशीन कहता हूँ, मैं तुमको फिरौन का बेटा कहता हूँ, मैं तुमको नमरूद की औलाद कहता हूँ। अरे वो कुरान अगर शेर खुदा हजरत अली है जिनको असदुल्लाह कहा जाता है, क्या असदुल्लाह की मौजूदगी में कोई कलामुल्लाह में इजाफा या कमी कर सकता था? जिस अहले बैत के घर में कुरान करीम को नाजिल किया गया, आज तुम इस तरह की वाहियात बातें करते हो, इंशाअल्लाह ताला तुम बेइज्जत हो गए और दुनिया देखेगी तुमको कि तुम्हारी बेइज्जती को, और तुम जिंदा जरूर रहोगे, इंशाअल्लाह तुम 130 साल जिंदा रहोगे, जल्दी नहीं जाओगे प्यारे, आराम से रहोगे, तुम देखोगे कि क्या होता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे एक और बात आप तक कहना था कि मजलिस के ताल्लुक से लोग हमको कहते हैं कि जहां हम लड़ते हैं वहां बीजेपी जीत जाती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, अमेठी में तो मेरा कैंडिडेट नहीं था, कैसे हार गए प्यारे? वहां पर हम तो नहीं थे, वहां पर हम तो नहीं थे। अच्छा, फिर समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े परिवार के लोग हार गए, बड़े बड़े लोग हार गए, कन्नौज से हार गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक ऐलान कर रहा हूं कि सैयद वसीम रिजवी से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, न उनका भाई हूं छोटा, न मेरी माँ का है, न मेरे भाई का है, न मेरी बहन का, किसी का कोई ताल्लुक नहीं है उनसे। वो पागल हो गए हैं, मजनून हो गए हैं, वो जो समझ में आते हैं वो करते हैं, न वो नमाज न रोजा कुछ करते नहीं, ना उनको दीन न इस्लाम से कोई मतलब है, इसलिए वो इस तरह की बातें बोलते हैं। जो दीन और इस्लाम से जुड़ा होता है उसके दिल में खौफ होता है, वो इस तरह की बातें बोल ही नहीं सकता। वो किसी के इशारों पर ये सब बातें बोल रहे हैं, कौन उनसे कहला रहा है, कौन पॉलिटिक्स कर रहा है, ये मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन बहरहाल मेरा उनसे ताल्लुकात 3 साल से कुछ नहीं है और मैं अपने घर में रहता हूं, यहां से उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, कश्मीरी मोहल्ले से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, ना वो कश्मीरी मोहल्ले में आते हैं। कोई भी महल्ले वाला ये गवाही दे दे, खड़ा होकर कह दे कि वसीम रिजवी मेरे घर आते हैं या वसीम रिजवी कश्मीर मोहल्ले आते हैं, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, न मैं वसीम रिजवी से कोई ताल्लुक रखना चाहता हूं, न मैं, न मेरी माँ, न मेरा भाई, न मेरी बहन कोई ताल्लुक रखना नहीं चाहता उनसे। हम लोगों ने सारा ताल्लुक उनसे खत्म कर दिया। इतना बड़ा गुनाह है, कबीरा उसको कहा जाए, उन्होंने अल्फाज बोले हैं। बहरहाल कुरान की हिफाजत तो अल्लाह करेगा, ये बेशक है, उसने कहा है, इसका कुछ नहीं होगा, आप बेफिक्र रहिए, उसमें से ना एक नुक्ता हटेगा, ना एक जबर हटेगा, ना जेर हटेगा। बहरहाल कुरान पे हमले बहुत हुए हैं, पहले भी हुए हैं और आगे भी होंगे, लेकिन उसकी हिफाजत अल्लाह करता रहेगा। आमीन।
जलाई जला दिया। धन भाई एक हम थोड़ा हम भी बोलो बैलून खोलेंगे।